हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्लस वन क्लास की फिजिक्स करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड बी चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स का, तो उसका आज हम आगे टॉपिक करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। कह रहे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ग्राफ कैसा होता है एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी। कह रहे जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं होगा, इसी वजह से एक्सेलरेशन जीरो है। तो कह रहे वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट, मतलब की पैरेलल आ जाएगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कह रहे कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जीरो है वेलोसिटी का। उसके बाद वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो कह रहे उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। कह रहे टाइम के साथ पहले क्या है, वो जीरो थी इनिशियल पॉइंट, उसके बाद कह रहे टाइम के साथ वो क्या होती रही, वेलोसिटी है जो इंक्रीज होती रही। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही इंक्रीज होती रही, डिक्रीज नहीं हुई, वो इंक्रीज होती रही, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट ऑसिलेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अभी इसने क्या बोला है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि उसकी वैल्यू है जो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, उसकी इनिशियल वैल्यू है जो कुछ ना कुछ मतलब कि वैल्यू के साथ स्टार्ट होगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद फोर्थ क्या है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या जब इंक्रीज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो कह रहे हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो है। द वेलोसिटी ऑफ ग्राफ ऑफ कर्व ओडी एज शोन, इसमें दिखाई गया क्या है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव द इंस्टेनियस एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। तो कह रहे हैं हमें हमारे पास क्या होगी, ऐसा ग्राफ शो होगा जब हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज एक्सेलरेशन होगी किसके साथ, जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ। जीरो मतलब शुरू से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, उसके बाद इंस्टाटेनियस है, हम पढ़ी चुके हैं लास्ट लेक्चर में इंस्टाटेनियस, तो उसी की तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, कर्व आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव मतलब कि डिक्रीज होगी वैल्यू, ठीक है, मतलब कि यहाँ से शुरू होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। हैव पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव मतलब कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है हमारे पास, तो इनिशियल से क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैव नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि नेगेटिव है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव होती तो ऊपर चला जाता ग्राफ, तो वो कह रहे नेगेटिव एक्सेलरेशन ही आ रही है, तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। शुरू पहले उन्होंने बोला था कि वेलोसिटी है जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है, अब कह रहे इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ गया, तो वो पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू की तरफ चला जाएगा, ठीक है बेटा, ये क्लियर है। ये हमारे पास थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, कि जब एक्सेलरेशन कैसा होगा तो तब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। पहले था एक्सेलरेशन जीरो थी जब हमारी, सेकंड था पॉजिटिव एक्सेलरेशन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ। नेक्स्ट था हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बताया था हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के साथ। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन जीरो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि डिक्रीज हो रहा था, सॉरी, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन था, ठीक है बेटा, क्लियर है सारे टॉपिक। सेवन क्या थे हमारे पास, इसमें पार्ट्स थे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब क्या है, पोजीशन टाइम। पहले था वेलोसिटी टाइम, अब है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो यह ध्यान रखना है, पहले वेलोसिटी टाइम का था, अब पोजीशन टाइम का है। पोजीशन टाइम के साथ क्या होगा, कह रहे फर्स्ट क्या था,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, जब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम के साथ मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ. मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व कैसी आएगी उसकी, ए बी कर्व बनेगी. कह रहे ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव की एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो ऐसी बनेगी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टाइल है जो उसका ऐसा बन जाएगा. थर्ड है हमारे पास जो केस है, थर्ड में क्या बोला गया है, कह रहे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग जीरो एक्सेलरेशन, जब जीरो के साथ करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ऐसे आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है बेटा आपको. पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किए, थर्ड हमने सेवन पॉइंट्स थे उसके वेलोसिटी टाइम के, उसके बाद थ्री हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ था एसेलेटेड मोशन के लिए. जब हमारे पास पॉजिटिव एसेलेशन होगी तो ऐसे आएगी, नेगेटिव होगा तो ऐसी आएगी, और जब जीरो एसेलेशन होगा तो उसकी पोजिशन टाइम ग्राफ में उसकी ऐसी वैल्यू आएगी. ठीक है बेटा, क्लियर है. ओके, थैंक यू.